ऐसा मैंने इसलिए बोला, सॉरी मैंने इसलिए मांगी क्योंकि कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि सर आप गाइस वर्ड यूज क्यों करते हैं, व्हाई नॉट द गर्ल्स, बिकॉज ऑफ दैट आई एम यूजिंग स्टूडेंट्स. मैं सर कार्तिक पांडे फ्रॉम आईडी बीएच, आप ऑलरेडी मेरे बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे. अपन मोटिवेशनल लेक्चर देखते हैं, अपन लेक्चर रिलेटेड टू द फिजिक्स देखते हैं, उसी कड़ी में आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिससे कि अपन एरर से रिलेटेड ऑपरेशंस को विद इन वन मिनट कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अपने जो टीचर्स होते हैं वो बहुत लेंदी लेंदी मेथड बताते हैं किसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. उन्हीं चीजों से आज मैं इजाद पाने के लिए आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, जिस मेथड के लिए आप उपयोग करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटेड टू एरर विद इन वन मिनट छुट्टियों में सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस कम विद मी एंड सी. अपन के पास लेट अस सपोज कोई ऑब्जर्वेशन है ए, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है बी, दैट इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी. इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको ये विद इन वन मिनट बता देता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब हम कोई लेंथ मेजर करते हैं, मान लो मैंने लेंथ मेजर किया और लेंथ मेजर करते वक्त मुझे नहीं पता कौन सी एरर हुई, हो सकता है मैंने मेजर करने में कोई गलती कर दी हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल कोई एरर आ गई हो, जिसके चलते मैं रिजल्ट मेरा करेक्ट आए इसीलिए मैं जानबूझ के लिख लेता हूं ए प्लस माइनस डेल्टा ए. यदि ज्यादा हो गया होगा तो डेल्टा ए घटा देंगे, यदि कम हुआ रहा होगा तो डेल्टा ए जोड़ देंगे, इसीलिए प्लस माइनस डेल्टा ए. ठीक इसी तरह बी के साथ है. अब मान लीजिए हमारे साथ कई ऑपरेशन है, जैसे मान लो हमने स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो ठीक उसी तरह मेरे पास कई ऑपरेशंस हैं, x इक्वल टू दिया हुआ है लेट अस सपोज ए प्लस बी, दूसरा ऑपरेशन है ए माइनस बी, तीसरा ऑपरेशन है ए इंटू बी, चौथा ऑपरेशन है x इक्वल टू ए अपॉन बी, पांचवा ऑपरेशन है x इक्वल टू ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n. तो ये देखते हैं गाइस कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ऐसे कैसे इंटीग्रल्स निकालेंगे. गाइस जो बुकिस मेथड बताए जाते हैं उनके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं. अपन करते क्या है, यदि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल टू ए प्लस बी, तो अपन ऐसे करते हैं ए की जगह पुट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब ए की जगह में इसे पुट कर दिया और बी की जगह में इसे पुट कर दिया, दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी. और इसे आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कुछ ऐसा लिखते हैं. और आफ्टर इक्वेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यदि हम इस इक्वेशन से इसे इक्वेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट एक्स. सो यदि मैं इसी रिजल्ट को आगे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा B. So this is the general method to solve any problem depending upon the error. Guys, मैं उसी के लिए आपको एक method बताने वाला हूँ जिससे कि आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, आप भी within one second कैसे इस error को error के problem को करेंगे, आइए देखते हैं. So guys, आइए आज अपन देखते हैं कि कैसे एक formula की मदद से अपन ऐसे सारे operations को within one minute solve कर सकते हैं. So guys, I will suggest आपको एक बात याद रखनी है इस formula को apply करते वक्त कि इरर आपकी बहुत ही छोटी होनी चाहिए, मतलब इरर बहुत बड़ी ना हो, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसमें 50% का इरर आ रहा है तब भी आप यही फॉर्मूला लगा दें, तब आपको ये फॉर्मूले नहीं लगाना. वो कैसे करेंगे मैं आपको अगले लेक्चर पढ़ाऊंगा यदि बड़ी इरर होती है, आज अपन छोटी इरर से बात कर रहे हैं. सो मैं मानता हूं कि इनमें छोटा इरर है. सो आई विल सजेस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड. कहने का मतलब दोनों साइड आप खुद को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जब आप दोनों साइड आप खुद को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका dx इक्वल टू da प्लस dv. अब मुझे भी पता है कि जब एरर छोटी होती है और थोड़ा सा मतलब अपन d को डेल्टा में भी लिख सकते हैं एरर के केस में, सो मैं इसी पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूं तो लिख दूंगा dx दैट इज नथिंग बट डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ध्यान से देखिए वही क्या फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है एक लाइन में, बहुत सिंपल से तरीके. अब मान लीजिए आपके पास ऑपरेशन है एक्स
इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तब क्या करेंगे फिर से? अब याद रखिएगा थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे पहले। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यू ए टू बी का फॉर्मूला आएगा, और हमें अभी तक ये पता है कि ए का इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कितना है, दैट इज डेल्टा ए, बी का इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कितना है, दैट इज डेल्टा बी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए का बी के ऊपर कितना डिपेंडेंट इंटीग्रल है, कि बी का ए के ऊपर कितना डिपेंडेंट इंटीग्रल है। सो इसीलिए गाइस आई विल सजेस्ट कि पहले आप इसे अलग कर लीजिए, और अलग करने के लिए एकदम बेसिक सा फंडा है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, और जैसे ही आपने दोनों साइड लॉग लिया तो आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। वाह, अब देखिए इसके बाद आपका फिर से वही याद आई जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूला यूज करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी। अब फिर से वही इधर अ वेरी वेरी स्मॉल, सो आई एम रिप्लेसिंग डी बी डेल्टा एंड दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान से देखिए तो इस फॉर्मूले को लाने में मुझे मात्र 30 सेकंड लगेंगे, यदि मैं इसे अपने मन से करूंगा, मतलब मैं आपको समझा ना रहा होता तो 30 सेकंड इस फॉर्मूले को लाने में नहीं लगते, लेकिन यदि अपन बुकिस मेथड से जाएंगे तो आपको पता है कि आपको कुछ कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर वहां पे लिखना पड़ेगा कि डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी आर वेरी वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टिंग इट यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है यार, सिंपली क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लिया दोनों अलग अलग हो गए, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर dx / x = da / a + dk / b और dx को रिप्लेस कर दिया डेल्टा x से, सो दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट दैट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, दैट इज x = a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। अब यदि आपके पास जनरल ऑपरेशन है x = a की पावर n एंड b की पावर n, तब कैसे सॉल्व करेंगे यार, फिर से वही कांसेप्ट आ गया, हम इसमें डायरेक्ट तो लॉग सॉरी डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे ए का इधर पता है बी का इधर पता है, लेकिन ए का बी के ऊपर कितना डिपेंडेंट इधर है कि बी का ए के ऊपर कितना डिपेंडेंट इधर है हमें ये नहीं पता, इसीलिए गाइस टेक लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड टेक लॉग ऑन बोथ साइड, अपन दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू m multiplied by log of a plus n multiplied by log of b। ये log के formula, log के properties होती हैं, उनके basis में मैंने formula लिखा है। अब फिर से वही याद आइए जो हमारा formula है, that is differentiating on both side, both side। मुन्ना दोनों side differentiate कर दो, तो चलो ठीक है, क्या आ जाएगा? बहुत simple है, dx upon x is equal to n is the constant, so m multiplied by dA upon A plus n multiplied by dB upon B। वाह क्या बात है, dA dx को किससे रिप्लेस करेंगे, delta x, so delta x by x is equals to m multiplied by delta A by A plus n multiplied by delta B upon B। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो फॉर्मूला आप एक दिन में निकाल के लाएंगे विद द हेल्प ऑफ दोस एनालिसिस और दोस बुकिस मेथड्स, अपन देख सकते हैं कि इसे अपन मात्र क्या किया है, दोनों साइड लॉग लिया है, डिफरेंशिएट किया और हमारा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन कब, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि इधर आर वेरी वेरी स्मॉल, इस बात को याद रखिएगा, यदि ये भूले तो सिलेक्शन नहीं होगा। सो इसीलिए गाइस ये बात याद रखिए, करना क्या है, यदि इंडिविजुअल है तो सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, यदि इंडिविजुअल नहीं है तो लॉग लिया और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया। सो दैट वाज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट दीज ऑपरेशंस। आइए देखते हैं अगला ऑपरेशन कैसे करेंगे उसे, दैट इज x = a - b।
एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन आता है, वो क्या करते हैं, मेरे ही फॉर्मूले को बताया हुआ ऐसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और लिखेंगे dx by, sorry, dx is equal to da minus db, उनका लिखना एकदम सही है। और वो एट द मोमेंट क्या एक थ्योरम निकाल लेंगे कि कार्तिकेयन सर का बताया वो फॉर्मूला गलत है। गाइस मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा होता है कि मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, चलो थप्पड़ नहीं मारते, थप्पड़ बोलते नहीं मारते, मैंने तुम्हारा एक टांग तोड़ दिया, और एक टांग तोड़ने के बाद अब मैं बोलूं कि उस टांग को सही करना, तो क्या दूसरी टांग तोड़ देने से वो वाली टांग सही रहेगी? इन द सेंस ऑफ सेइंग क्या ऐसा होता है कि एक गलती की और फिर दूसरी गलती कर दो तो वो वाली गलती घट जाएगी? नहीं, गलती कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, गलती हरदम ऐड होती है, गलती कभी घट नहीं सकती। इसलिए यहां क्यों घटा रहे हो रे, यहां भी मान लो अपने मन से प्लस का साइन और इसे लिख लो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन यही होता रहे, दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस बात को याद रखिएगा। और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो है वो वाला कहां पे देखते हैं, That is this one, x is equal to a by b, x is equal to a by b, taking log on both side, दोनों साइड में log लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, log of x is equal to log of a minus log of b, differentiating on both side, delta x is equal to delta a by a minus delta b by a। मैंने डायरेक्ट यहां पे डी लिया और डेटा लिख दिया है, फिर से वही बात आ जाओ यार, एरर तो कभी घट नहीं सकती ना, गलतियां कभी घटती क्या, नहीं गलती तो कदम बढ़ेगी, तो लो ना ये प्लस मार लिया, आंसर आ गया रे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अपन बहुत बिगेस्ट बिगेस्ट ऑपरेशंस को, जो मतलब बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशन है जिनको करने में सच में बहुत टाइम लगता है, उनको अपन विद इन वन मिनट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेसिक फंडा याद रखना है कि यदि जो ऑपरेशन है उसमें ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे, और यदि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, और यदि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो पहले हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे और डी को डेल्टा से प्लस कर देंगे। गाइस यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, यदि आप नई वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और गाइस ये मुझे बताना मत भूलें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगी, उसके लिए आप नीचे हमारी लाइन पे कमेंट कर सकते हैं, और गाइस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।